टॉपिक आता है बुद्धिज्म, जो कि बड़ा टॉपिक है। बुद्धिज्म में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि बहुत सारे लोग इसके क्वेश्चंस को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन बनेगा किस तरह का। आज एक बहुत छोटी सी वीडियो में पूरे बुद्धिज्म को एनडीए के पर्पज से कवर करके आपके सामने आया हूँ। एंड फाइनली आज से ये वीडियो आप शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा होता है कि कोई भी रिलीजियस इंडिया में क्यों स्टार्ट हुआ। एडी वेदी ग्रेटर वेदी पीरियड के टाइम पर तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्या ऐसा हुआ कि हमें नए नए रिलीजियस की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी। तो बताया जाता है या देखा जाता है कि 6th सेंचुरी BC के आसपास हमारे इंडिया में कुछ 62 रिलीजियस सेक्ट्स बने थे इंडिया में नए, जिन्हें मोस्ट ऑफ देम को बताया गया कि वो कहीं ना कहीं हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स से निकल कर आए थे, जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट था जैनिज्म बुद्धिज्म अजामिकास जो थोड़े फेमस हुए। क्वेश्चन आता है ये फेमस होने के रीजन क्या थे। सबसे पहला आता है रियल थॉट्स। रियल थॉट्स में हमें क्या देखना है, नए रिलीजियस को लाने के लिए सबसे बड़े लेवल पर जिम्मेदारी हमारे लेटर वेदिक पीरियड की थी, क्योंकि लेटर वेदिक पीरियड में जहां पहले कर्म को लेकर अर्ली वेदिक पीरियड में बात कही गई थी, लेटर वेदिक में वो हेरिडिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो गया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शूद्र कम्युनिटी जिसको पुरुषोत्तम आइंस ऑफ ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखा गया है कि वो ब्रह्मा जी के पैरों से निकली थी, उनको बजाय सफाई के पर्पज से देखने के उन्हें एक हीन भावना से देखा जाने लगा था, जो कि कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट कर रही थी। दूसरा, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जो कि पहले हमारा नहीं बेस होता था, पहले बेस चाहे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देख लें, चाहे हम अर्ली वैदिक पीरियड को देख लें या लेटर वैदिक को देख लें, उस समय पर केवल और केवल नॉर्थ वेस्ट जो कि इंडस, इंडस की 5 ट्रिब्यूटरी इंक्लूडिंग विद सरस्वती सप्त सैनम के नाम से जाना जाता था, उसी पर सारा फोकस था। लेटर वो धीरे धीरे इकोनॉमिक पॉलिसी बदली जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक इसको लेकर आई। जैसे ही हम इसमें आगे चलते हैं तो मेन फोर्स जो आते हैं नए रिलीजियस के वो बेसिक आते हैं। सबसे पहले आता है वर्ल्ड डिवीजन, जो कि मैंने अभी बताया 10th मंडल ऑफ पुरुषोत्तम आइंस में क्लियर कट लिखा है कि ब्रह्मा जी के बाहों से ब्राह्मण, आम से क्षत्रिय, पेट से कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट से वैश्य एंड फीट से शूद्र निकले, जो कि इनिशियल बेस्ड ऑक्यूपेशन था। लेटर ऑन आते आते ये बाय बर्थ हो गया, जो कि लेटर वेदिक का पार्ट था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अपर 3 कास्ट 4th कास्ट को बड़े लेवल पर त्रास करने लगी थी, जिससे प्रॉब्लम बढ़ी थी। सेकेंड आता है एग्रीकल्चरल पॉलिसीज। अगर हम गंगा की वैली को देखें, गंगा के पूरे एरिया को देखें, तो प्रॉपर वे में गंगा के एरिया में फर्टाइल लैंड है, एलुवियल का भांगर और खादर बनता है, जिससे एग्रीकल्चर पोटेंशियल लेवल बढ़ा। कॉइन्स ने आकर कहीं ना कहीं फैसिलेट किया ट्रेड को। सुप्रीमेसी ब्राह्मण्स की कहीं ना कहीं ऐसी थी जिन्होंने शुद्र क्लास को बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड क्लास में कन्वर्ट किया। सिंपल डॉक्ट्रिन आया, लैंग्वेज का इंट्रेक्शन प्रॉब्लम था, क्योंकि अर्ली वेदिक और लेटर वेदिक में मैक्सिमम लैंग्वेज इंट्रेक्शन जो चल रहा था वो संस्कृत में था, जबकि पब्लिक की लैंग्वेज संस्कृत नहीं थी, पब्लिक की लैंग्वेज पाली हुआ करती थी। रॉयल पेट्रोनेज भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, क्योंकि जितने बड़े बड़े राजा हुए, जिस राजा ने जितना ज्यादा कभी भी किसी भी धर्म को पेट्रोनेज दिया वो उतने ही बड़े लेवल पर बढ़ा। और फाइनली जिन जिन लोगों ने इस रिलीजियस को शुरू करा उन्हें जील या वीकेंड से उनका डेडिकेशन उस मिशनरी को लेकर बड़े लेवल पर आता है, दिखता है कि हाँ उन्होंने उस पर्टिकुलर रिलीजियस के लिए काम किया। अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो पहला हमारा टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड बुद्धिज्म। आज पूरा का पूरा बुद्धिज्म करेंगे। अभी जो भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा उसमें आपको जैनिज्म के साथ जैनिज्म पर डिस्कस, देन बुद्धिज्म और जैनिज्म का कंपैरिजन समझाऊंगा। पहला, बुद्धिज्म है क्या। बुद्धिज्म बेसिकली है बुद्धा की लाइफ। फर्स्ट, बुद्धा की लाइफ। सेकेंड, उसका धम्मा। थर्ड, उसका संघा। मतलब क्या है, बुद्धिज्म ऑलवेज स्टैंड ऑन 3 पिलर्स लाइफ एंड 3 स्टिक्स ऑफ अ टेबल। एक तो ये टॉप है और इस टॉप पर ये 3 पिलर्स हैं, तो उनमें एक बुद्धा की सेल्फ लाइफ है, बुद्धा की पूरी लाइफ क्या थी, एंड दूसरा धम्मा है, तीसरी बात करें तो उनका संघा जो उनकी मिशनरी हुआ करती थी। अगर हम इसमें सबसे पहले चले जाते हैं बुद्ध की लाइफ को लेकर, तो लाइफ ऑफ बुद्धा में बात करें तो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जिनसे रिलेटेड एनडीए में रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन आता है। लाइक उनका बर्थ नेम सिद्धार्थ था बचपन का,
563 बीसी में शाक्य कम्युनिटी जो दिन हुआ करता था, जो दौलत उनके फादर का नाम था, जो चीफ थे शाक्य क्लेन के, फाइनली कहा जाता है क्योंकि ये शाक्य क्लेन को बिलोंग करते थे, दैट्स व्हाई इनको नाम दिया गया शाक्य मुनि। बहुत बार आया हुआ ये क्वेश्चन है जिसको बार बार एग्जामिनर पूछता है, शाक्य मुनि क्यों कहा गया, बिकॉज दे बिलोंग्स टू द शाक्य क्लेन। आगे के लिए बात करते हैं, तो इनकी मदर का नाम महामाया था, इन्हें महादेवी के नाम से भी काफी कुछ में लिखा हुआ है, एंड इनके बर्थ पे आफ्टर 7 डे की डेथ हो गई थी। देन इनको इनकी स्टेप मदर गौतमी ने पाला था, गौतमी ने ही ने पाला था, दैट्स व्हाई इनको नाम गौतम मिला, जो कि हम लोग जानते हैं महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध। तो ये याद रखने वाली बात है कि गौतम ही ने नाम कहां से मिला था, एनडीए में आ सकता है ये क्वेश्चन। अगला, 16 साल की उम्र में इनकी शादी यशोदा से हुई थी, जिससे इनको एक बेटा राहुल हुआ था। कहते हैं कि एक बार ये अपने घोड़े कंटक के साथ और अपने साथी चन्ना के साथ बाहर निकले। जब जब ये बाहर जाते थे तब तब इनको बहुत अच्छे एनवायरमेंट में बाहर घुमाया जाता था, क्योंकि प्रीवियसली इनके फादर को किसी ने बताया हुआ था कि अगर इस बंदे ने कोई भी दुख दरिद्रता देखी तो आफ्टर दैट ही बिकम अ एसेटिक। तो यहां पर यही एक चीज इशू में आती है कि इन्होंने इस बात का ध्यान रखा था, बट इस टाइम पर आपके बिना किसी को बताए कहीं ना कहीं से दार अपने घोड़े और सारथी को लेकर निकल रहे थे, जिसमें जब वो निकले तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, एक ओल्ड सिक मैन दिखाई दिया जिसको बीमार आदमी हम लोग कह सकते हैं, एक डेड बॉडी दिखाई दी और एक सन्यासी दिखाई दिया, जो कि उनकी नॉलेज में पहली बार आया, जिससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध को ये समझ में आया था कि कहीं ना कहीं जो मुझे दिखाई गई थी चीजें वो सच नहीं थी, चीजें डिफरेंट हैं और मुझे उनका सत्य खोजना है। इसीलिए कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आफ्टर दैट भगवान बुद्ध ने एट द एज ऑफ 29 अपना घर छोड़ा, मगध छोड़कर वो वन बाय वन घूमना फिरना उन्होंने शुरू करा। जैसे जैसे वो आगे 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 निकलते चले गए, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट उनके टीचर्स मिले, जिसमें अलारा कामला उत्तराखंड पुत्रा ये सब थे, लास्ट में अनासी मिले। सबने उनको सेल्फ मेडिटेशन की सलाह दी, उन्होंने रेगुलरियस मेडिटेशन किया, बट अनफॉर्चुनेटली उससे इन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं सबको छोड़ के खुद जाऊंगा। कहते हैं कि आफ्टर द स्पैन ऑफ समवेयर 6 ईयर्स ये खुद सबको छोड़कर गया की तरफ बढ़ गए। गया में जाके पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर इन्होंने तपस्या करी और फाइनली वहां इन्हें नॉलेज ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस ज्ञान की प्राप्ति को नाम दिया गया है एनलाइटमेंट। बुद्धिज्म में ये आने वाला बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, तो पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे नाम क्या मिला है एनलाइटमेंट। एन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट कि इस पीपल के पेड़ को हिस्ट्री में आता है किसने कटवाया था, तो आंसर आता है एक शशांक नाम का राजा आएगा आगे हिस्ट्री में जो इसको कटवाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये वहां से घूमते घूमते सारनाथ की तरफ निकल गए। सारनाथ में जाकर इनको अपने 5 डिसाइपल्स मिले जो इन्हें पहले छोड़ गए थे। फाइनली उन्हीं को इन्होंने अपना पहला सरमन दिया, जिसको धर्म चक्र परिवर्तना या टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ फ्लो कहा गया। फाइनली यहां से ये महात्मा बुद्ध बन गए। आफ्टर दैट 5 डिसाइपल्स इनके थे, वन बाय वन यहां सभी के नाम लिखे हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि इनके डिसाइपल्स कौन थे पहले 5, तो सभी के नाम मेंशन है, ध्यान से याद रखना, वीडियो में इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है ये। अभी बात करता हूं इनका जो सरमन मोस्टली हुआ करते थे वो सारावती में हुए। एट द एज ऑफ 80 कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध पूरी तरह से बुढ़ापे की तरफ थे, धीरे धीरे उनकी एज हो रही थी, और एट द एज ऑफ मल्ल रिपब्लिक में आकर उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए और उनकी डेथ हुई, जिसे मल्ल रिपब्लिक कहा गया, और इसे बुद्धिज्म के अंदर महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। कुछ लोग यहां तक मानते हैं कि बुद्धा लास्ट समय पर कुछ ऐसी चीजें करके गए थे जो उन्होंने अपने लिए अपने आप बोली थी, लाइक कि वो किसी के घर गए थे जिसका नाम था झुंडा, वहां पर जाके उन्होंने कुछ खाया था, ऐसा कुछ किताबों में लिखा मिलता है, जिससे उन्हें फूड पॉइजनिंग वगैरह कुछ हुई और फाइनली उनकी डेथ हुई। फाइनली उनके लास्ट वर्डिंग्स इस तरह से कुछ आते हैं।
अगर हम इनपे आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एनडीए का क्वेश्चन इस स्लाइड से सबसे ज्यादा उठेगा। पहला क्वेश्चन क्या, बुद्ध ने जो घर छोड़ा उसका नाम क्या था, दैट इज महाविश्वकर्मणा द ग्रेट रिनन्शिएशन। बुद्ध ने जो पहली नॉलेज ली उसको क्या कहा गया, निर्वाण या एनलाइटमेंट। बुद्ध ने जो पहला सर्मन दिया उसको क्या बोला गया, धर्म चक्र परिवर्तना या टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ फ्लो। एंड लास्ट डेथ उनकी क्या, मैच द फॉलोइंग का एनडीए में फेवरेट क्वेश्चन है, आप नोटिस करके इसको जरूर याद करिएगा। आगे लिखा है फाइव ग्रेट इवेंट ऑफ द बुद्धास लाइफ, तो पांच बड़ी चीजें क्या बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड। उनके बर्थ को लोटस या बुद्ध से दिखाया जाता है। सेम वे ग्रेट रिनन्शिएशन, उन्होंने जो मूवमेंट करे, चाहे जगह जगह घूमे, जगह जगह ज्ञान दिया, उसे होर्स से डेडिकेटेड किया जाता है। निर्माण, उनकी नॉलेज को बोधि ट्री से दिखाया जाता है। फर्स्ट सर्मन को वीर या धर्म चक्र से दिखाया जाता है। एंड फाइनली परिनिर्वाण या उनकी डेथ को बात करें तो स्तूपा से दिखाया जाता है। अगेन मैं द फॉलोइंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ व्यू ओनली एनडीए को फोकस करते हुए। इसके बाद जब हम लोग आगे के लिए बढ़ते हैं तो यहीं पर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल्स, चार काउंसिल्स हैं बेसिकली, जिनमें फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगिरी में 483 बीसी में हुई। इस काउंसिल को चेयरमैन राजा के नाम से अगर हम नाम रखें तो चेयरमैन जिसके होते थे महाकश्यप एंड इनके किंग होते थे अजातशत्रु। क्वेश्चन आता है कैसे ये क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन सिंपल है, इस राजा के टाइम पर कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई थी, किस ईयर में हुई थी। एंड लास्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि उस बुद्धिस्ट काउंसिल का मेजर आउटकम क्या था। तो मेजर आउटकम में अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इस पूरी की पूरी बुद्धिस्ट काउंसिल में दो बातों पर ध्यान दिया गया था। दैट इज, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इसको लिखा है दैट इज विनय पित्तक, एंड एक जगह लिखा हुआ है दैट इज सुप्त पित्तक। ये दो पित्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट में तीन किताबें हैं, विनय पित्तक, सुप्त पित्तक और अभिदम्भ पित्तक। उन तीनों किताबों में से पहली दो किताबों के बारे में यहां पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आता है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अगले राजा आ जाते हैं, अगले उनके टाइम पर होने वाली काउंसिल्स आ जाती हैं। जैसे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुई थी 300 ईयर्स आफ्टर वो फर्स्ट काउंसिल। चेयरमैन सावाकामी थे, देन इसके किंग काला अशोक थे जो कि मगध एम्पायर की शिशुनाग डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे। मेजर आउटकम की बात करें तो बुद्धिस्ट दो ऑर्डर में यहाँ डिवाइड हुआ था, दैट इज मंदिर्स एंड महासंधिकास। और आगे बढ़ जाते हैं इसी में तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हमारे सामने आती है। जैसे हम थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को देखते हैं तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में 250 में हुई। समवेयर अगर हम ध्यान से देखें अगेन 100 आफ्टर 100 ईयर्स अप्रॉक्स। चेयरमैन की बात करें मोगलीपुत्र तिस्सा उपगुप्त थे ये, जिन्हें किंग अशोक के सपोर्ट से कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट काउंसिल करने का मौका मिला। या इसको उल्टा कह सकते हैं कि चंड अशोक, लड़ाकू अशोक, एक वॉरियर अशोक को बुद्धिस्ट में कन्वर्ट करने का क्रेडिट भी किसी को जाता है तो ये उपगुप्त है। इस समय पर तीसरी पित्तक अभिदम्भ पित्तक लिखी गई जो कि पाली लैंग्वेज में हुआ करती थी। एंड इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फोर्थ काउंसिल इनकी बेसिकली गुडावर में काश्मीर में कराई गई, 72 एडी में कराई गई। विश्वामित्रा नाम के चेयरमैन होते थे। अश्वघोषा की बात करें तो वो डिप्टी हुआ करते थे और कनिष्ठ ने काउंसिल कराई थी। इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये कि बुद्धिस्ट जो आज हमें डिवाइड हुआ हुआ दिखता है वो यही हुआ था, जिसमें पहले लोग थे महायान जो कि मूर्ति पूजा को फॉलो करेंगे, दूसरे लोग थे हीनायान जो कि मूर्ति पूजा को फॉलो नहीं करेंगे, वो केवल और केवल सेल्फ मेडिकेशन पर काम करेंगे। जैसे हम आगे बढ़ जाते हैं तो महायान के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है, सॉरी हीनायान के अंदर, कि मगध श्रीलंका में पॉपुलर हुआ और ये आइडल वर्शिप के फेवर में नहीं थे। अगला आता है महायान, मूर्ति पूजा वाले लोग थे। चाइना, जापान, कोरिया, अफगानिस्तान, टर्की और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में खूब फैला। इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, दुनिया में पहली स्टैचू अगर किसी की बनी थी तो भगवान बुद्ध की थी, इसके अलावा किसी की नहीं, बाद में आनी है सबकी स्टैचू या वीकेंड से आइडल वर्शिप। अगला आता है वज्रयान। 8th सेंचुरी में आते आते बंगाल बिहार के लोगों ने एक सेपरेट किया, जहां पर बताया गया कि बुद्धिस्ट में वो रहते हुए भी फ्रीली कंज्यूम कर सकते हैं वाइन, मीट, फिश एंड ऑल, जो उनकी डेली डाइट का पार्ट है। आगे अगर हम इसी में बढ़ रहे हैं
तो बुद्धिस्ट लिटरेचर इंपॉर्टेंट करता है जिसे त्रायपिटक के नाम से जाना जाता है। त्रायपिटक में पहला आता है विनय, विनय में लिखा गया है इज द कलेक्शन ऑफ द रूल गवर्निंग बाय द संघ एंड मोक्ष। सुप्त पित्तक कंसिस्ट करती है सर्वनिंदा की चीज ऑफ बुद्धा एंड अभिनव पित्तक डील करती है फिलोसफी ऑफ बुद्धा। तो अगर ध्यान से देखें तो विनय पित्तक पूरा पूरा बताती है बुद्धिज्म चलेगा कैसे, सुप्त पित्तक बताती है बुद्ध ने बताया क्या था अपने सर्वंस में, एंड लास्ट अभिनव पित्तक बताती है वो फिलोसफी क्या थी जिस फिलोसफी पर बुद्धिज्म काम करता है। क्वेश्चन आता है ऐसा क्या हुआ एनडीए में, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये एनडीए का कि ऐसा क्या हुआ कि बुद्धिज्म अचानक से डिक्लाइन कर गया, अचानक से खत्म हो गया। तो उसके कुछ पर्टिकुलर रिलीजन में आए हुए चेंजेस थे जो बुद्ध ने नहीं करे थे बट वो आ गए थे। लाइक सबसे पहला अगर बुद्धिज्म में बात करें तो ब्राह्मणिकल रिचुअल्स आइडल वर्शिप दोबारे से आ गई थी, जबकि अर्लियर स्टेज में बुद्धिज्म में महात्मा बुद्ध ने इन सब चीजों को मना किया था लेकिन बुद्धिस्ट लेकर उन्हें नहीं बोले। अगला आता है रिफ्रेंडम हिंदुइज्म का, पूरी तरह से शंकराचार्य ने किया जो कि पहले हिंदुइज्म द्वारा से खड़ा नहीं हो पा रहा था। अगला आ जाता है संस्कृत का यूज बहुत ज्यादा बुद्धिज्म में होने लगा जबकि पहले बुद्धिज्म में पूरी तरह से लैंग्वेज हिंदी होती थी पाली। आगे बात कर लेते हैं मॉरल स्टैंडर्ड्स गिर गए मॉन्क्स एंड नंस के, क्योंकि पहले नंस को मिशनरीज में या इनके मठों में अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, लेटर ऑन हुआ क्या उनकी एंट्री हो गई। वीमेन लिखा है मैंने एंट्री ऑफ द वीमेन इनटू द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हुन कम्युनिटी जो कि मंगोल के आसपास से बिलोंग करती है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में थी कि बहुत सारे हुन लोगों को कहीं ना कहीं चेंज कर दिया गया था इन बुद्धिस्ट कल्चर, दैट्स व्हाई वो बुद्धिस्ट के अगेंस्ट थे। मिहिरपुरा नाम का बंदा था जो 6th सेंचुरी के आसपास आया था और फाइनली उसने 12th सेंचुरी एडी तक हुंस ने रेगुलर बेसिस पर बुद्धिज्म के लोगों को परेशान किया। अगर मैं इस वीडियो में बात करूं तो मैंने बुद्धिज्म को इन समराइज में खत्म करने की कोशिश करी है जो कि बुद्धिज्म में वो सारे एस्पेक्ट टच करने का एक अफर्ट है जिससे आपके एनडीए में आने वाला कोई भी क्वेश्चन गलती से भी गलत ना हो। एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ये आपके एनडीए के लिए एक यूजफुल टिप हो सकता है। सितंबर आपका एग्जाम है एंड आई वांट कि आप सबको इस वीडियो से हेल्प हो, अगर लगता है हेल्प है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स अ लॉट।